सीटू के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर हमीरपुर में भी सीटू इकाई ने अपने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, जिला सचिव जोगिंदर सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीटू कमेटी के द्वारा करीब 18 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर बाद में डीसी हमीरपुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा गया। सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल की जा रही है और इसी के चलते हमीरपुर में भी हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों के विरोध में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मनरेगा में भी 100 दिन का काम मिलना चाहिए ताकि गरीबों की रोजी रोटी चल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है तो पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार आज के समय में कोरोना से लड़ने के लिए भी गंभीर नहीं है, क्योंकि अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूरे देश में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र जो फेडरेशन है, बैंक, बीमा, LIC वगैरह का, उनका देशव्यापी हड़ताल है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से देश में जो मजदूरों से संबंधित कानून है उनको बदला है और देश को बेचने का जो सिलसिला शुरू किया है, चाहे आपका बिजली है, चाहे कोयला है, चाहे बैंक है, चाहे बीमा है, सबको नीलाम करने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसके खिलाफ पूरे देश में मजदूरों कर्मचारियों में रोष है। और हम ये समझते हैं कि ये जो कल्याण बोर्ड हैं, जो सरकार कह रही है कि ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो एक्ट है, इसको भी डायल्यूट किया जाएगा और पैसा दिल्ली में जमा किया जाएगा, हम इसके खिलाफ हैं। और हम ये भी चाह रहे हैं कि मनरेगा में जिस तरह से 100 दिन का रोजगार गारंटी का कानून है मनरेगा, उसको सरकार जो है 100 दिन का काम, तो क्या 10 दिन का काम नहीं मिल रहा है? सारे काम ठेकों पर जा रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और हम चाहते हैं कि मजदूरों को मनरेगा में 100 दिन का काम मिलना चाहिए और उनका दिहाड़ी भी 400 रुपया कम से कम तो होना ही चाहिए, ताकि वो गरीब लोग जो है, जो 100 दिन का काम करते हैं मजदूर, उनका गुजर बसर हो सके। ये सरकार जो है, ये निश्चित तौर पर जो है मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है और पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। इसलिए जो है काम के घंटे बदल कर 12 घंटे कर दिए, पक्के किस्म के रोजगार खत्म कर दिए, ईपीएफ का जो रेट ऑफ ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% से 10% कर दिया, और तमाम जो मजदूरों पर हमला है पूरे देश में वो जारी है। अभी 15 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया कोरोना दौरान में, और सरकार कोरोना से लड़ने के लिए भी गंभीर नहीं है। जिस तरह से सरकार पेश आ रही है, उनका कोई इंतजाम नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, कई हॉस्पिटल तो बंद हो रहे हैं, मतलब ये यहाँ तक आ गया। तो इसलिए जो है इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और हमें समझते हैं कि सरकार इनको चलाने नहीं आ रही है, इनको पता नहीं लग रहा करना क्या है, देश का नीति कैसे चलेगा। अब देखो GDP जो है माइनस में चला गया, किसी देश में कोई GDP इतना माइनस में नहीं गया। और अगर कोई, अगर एक किसान खेतों में काम नहीं करता तो देश में अनाज भी लोगों को नहीं मिलता, आज ऐसी दशा होगी, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, 50% से कम मजदूरों को काम दिया जा रहा है कारखानों में, आधी आधी तनख्वाहें कर दी। हमारे NIT हमीरपुर है, वहाँ जो मेस में लोग काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, उनको आधी तनख्वाह दी जा रही है। इसी तरह से उद्योगों में है। तो इसलिए जो है सरकार की नीतियाँ जो है वो पूंजीपतियों के पक्ष में है, कारखानेदारों के पक्ष में है, विदेशी कंपनियों के पक्ष में है, और हमारा जो मजदूर है, देश का कर्मचारी है, जो इस देश के चक्के को चलाता है, उसके खिलाफ है। इसलिए आज जो है हड़ताल है, और हमीरपुर में तमाम जो मनरेगा मजदूर हैं उन्होंने हड़ताल की है, तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो हड़ताल पर है, तमाम जो मिड डे मील वर्कर्स है वो हड़ताल पर हैं, और इस तरह का तमाम जो मजदूर है दूसरा भी, वो भी आज इस सरकार के खिलाफ जो है वो हड़ताल में है। इसलिए आज ये हम लोगों ने यहाँ जो इंडोर मीटिंग किया है, और गांव-गांव में इसी तरह से सैकड़ों गांव में मीटिंग हो रहा है, उसका 1 बजे तक पूरा आकलन पता लगेगा कितने गांव में मीटिंग हो रहा है, ये सारा बताएंगे। हजारों लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में गांव-गांव में इसी तरह से प्रदर्शन में भाग लिया है।